भाई ये नंद यशोदा पूर्व जन्म के मनुष्य रूप आए जिन्होंने भगवान को पाने के लिए तप किया था और तपस्या जब की तो भगवान नारायण प्रसन्न होकर खड़े हो गए सामने। भगवान नारायण आज मनु शत्रुपा से कह रहे हैं जो नंद यशोदा के रूप में द्वापर में जिन्होंने जन्म लिया वो पहले मनु और शत्रुपा थे। तो भगवान नारायण प्रकट हुए पूछने लगे क्या चाहिए क्यों इतना तप कर रहे हैं आप। तो मनु और शत्रुपा ने कहा प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भाई भगवान सामने खड़े हैं नारायण भगवान और नंद यशोदा मनु सद्रूपा के रूप में खड़े हैं तो भगवान कह रहे हैं क्या चाहिए। तो अब मनु सद्रूपा सोच रहे हैं यदि हम इनसे ये कहेंगे सीधे कि हम आपको अपना बेटा बनाना चाहते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई आपके घर में आपके पिताजी से आप कहने लगो कि इस जन्म में आप हमारे पिता बने हो हम चाहते हैं कि अगले जन्म में हम आपके पिता बने बताओ अच्छा लगेगा बोलने में। भाई आप तो यही कहोगे ना 7 जन्मों तक हमें ऐसे ही माता पिता मिलते रहे। तो आज मनु सद्रूपा भी भगवान नारायण से ये नहीं कह पा रहे कि प्रभु आप हमें बेटे के रूप में जबकि चाह यही रहे कि हमें भगवान बेटे के रूप में मिले किंतु कह नहीं पा रहे। सो मनु सद्रूपा भगवान नारायण से क्या कह रहे बोले आपके जैसा बेटा मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा मेरे जैसा बेटा बोले हाँ। भगवान ने खूब चिंतन किया विचार किया कि मेरे जैसा कौन है दुनिया में। अब सोचते सोचते ठाकुर जी को अपने ही बारे में याद आई कि भैया दुनिया में मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो भगवान नारायण ने कहा मनु सद्रूपा से बोले दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो कहा प्रभु हम वही तो बोलना चाह रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं क्या हमें आप ही बेटे के रूप में मिल जाए। कहा चल ठीक है चिंता मत करो द्वापर में आप नंद और यशोदा बनेंगे हम कृष्ण बनकर आपके यहां जन्म लेंगे।